छोटी साइज का अंडा है, इसमें ये थोड़ा सा पानी है ये ऐड कर दिया। अब इसको बॉईल करेंगे कमाश के ऊपर, हल्दी डालेंगे इसके अंदर एक पिंच। इस तरीके से इसको कट देना, हल्का लूज रखना है इसको, ठीक है। गैस को बंद कर दिया, 1.5 से 2 मिनट के अंदर हो गया ये। इसमें अंडे का जो अंदर का पीला हिस्सा है वो पूरा है, और जो बाहर का व्हाइट वाला है वो आधा लिया है, और छोटा एक है ये, ठीक है। 250 ग्राम चिकन है, 100 ग्राम अच्छी है डेली। इसमें से क्या करेंगे हम, थोड़ा थोड़ा निकालेंगे जैसे, ठीक है। ये भी थोड़ा ज्यादा है, मतलब ये थोड़ा सा पीस, इतना सा चिकन निकालेंगे इसके लिए। अभी 35 दिन का बच्चा है ये, ठीक है। हाथ में लेके दिखाता हूँ आपको, इतना सा चिकन इसमें करेंगे हम। थोड़ा सा ये जैसे मांस आ गया ना, इसकी कोई हड्डी का टुकड़ा ले लेंगे अपना, बस ये इस टाइप से। इतना सा चिकन लेंगे जिसमें थोड़ा सा हड्डी का पीस भी आ गया, और ये बोटी आ गई, और इसके अंदर एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, इतना सा छोटा सा टुकड़ा लेंगे मच्छी का। ऐसे कर करके इसको डेली अच्छे से कुक करेंगे राइस के साथ में, और हल्का एग मिला के इसकी डाइट ये स्टार्ट करेंगे हम। धीरे धीरे बढ़ाएंगे, एकदम से बढ़ा देंगे तो उसका डाइजेशन बिगड़ सकता है, ठीक है। ये फिश का पीस है छोटा सा टुकड़ा, और ये है चिकन, ठीक है। इसमें एक छोटा सा हड्डी का टुकड़ा आ गया, और बोटी आ गई। ये जो हमारा अंडा हमने तैयार किया है ये भी इसमें ऐड करेंगे। अभी ये क्या, अंडे में से हमने पीला हिस्सा ले लिया, बाहर का व्हाइट पोर्शन आधा ले लिया छोटे अंडे का। धीरे धीरे जब इसके शरीर को सेट करने लग जाएगी चीजें, तो अपन क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, आपको दिखाता जाऊंगा। तो पानी डाल दिया, थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल दी, और थोड़े से इसके अंदर हम ऐड करेंगे राइस, 1.5 से 2 टेबल स्पून के हिसाब से अपन ने डाल लिए हैं। अच्छे से बॉईल कर लिया, वापस ठंडा हो गया। अब इसमें देख रहे हो आप, चावल बिल्कुल कुक हो चुके हैं, रबड़ी टाइप हो जाएगा ये, ठीक है। हल्का गुनगुना टाइप रखना है, और इसमें क्या है, जो जितने भी हड्डी के टुकड़े हैं ना बचे हुए हमारे, इनको आप हाथ से सबको ढूंढ ढूंढ के निकाल देना एक एक को, ठीक है। फिश का जो पीस डालते हो उसमें भी हो सकता है कांटा हो, तो पहले ही निकाल देना, या बाद में आप ढूंढ के निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छे से कुक कर लिया, पानी आप देख रहे हो बिल्कुल कम बचा है इसके अंदर। अब इसको अच्छे से फेंटेंगे, अंडा मिलाएंगे इसके अंदर, पहले हड्डी निकाल लेते हैं। अच्छे से ढूंढ लिया इसके अंदर मैंने हाथ से, बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर हड्डी, ठीक है। पूरी हड्डी ध्यान से निकालना, इसमें लापरवाही बिल्कुल भी मत करना आप, वरना नुकसान हो जाएगा बबी को। अब इसको हम खिलाएंगे 3 से 4 बार के अंदर, उसकी डाइट के हिसाब से हम चेक कर लेंगे कि उसका पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है, उस हिसाब से इसको खिलाएंगे। अंडा जो था हमारा जो अंडा हमने उबाला था ना, अंडा भी इसमें पूरा डाल दिया है, हाथ डाल के देख रहे हैं एकदम इसका टेम्परेचर सही है, ठीक है। ये देखो ये मिली गई है एक छोटी सी और, ठीक है। मैं इसको वैसे भी ढूंढने वाला था। अब ये है बिल्कुल कच्ची हड्डी है, ये छूट गई ना हाथ से, मतलब टूट रही नहीं है, तो ये भी पप्पी के काम की नहीं है। सीने की हड्डी है एकदम कच्ची, लेकिन वो पप्पी के काम की नहीं है, इसको अच्छे से ढूंढना है बस, ठीक है। सब चीज़ें पहले दिन से ही ट्रेन करना, इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। डाइट इसकी आ गई, आप देख रहे हो ये मेन गेट है, गेट के पास में इसको 1 महीने रखूंगा मैं, ये बॉक्स के अंदर डाला हुआ है। अभी से इसको नाम पोटी सब तैयार, अभी से इसको स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। ये है 35 दिन का बच्चा सुल्तान, ये बेटा अपना सुल्तान, सुल्तान आ जा। टेक इट, टेक इट, गुड बॉय, गुड बॉय। अब इसको हाथ फेरा हूँ मैं, ताकि ये अभी से सीख जाए कि खाना खाते टाइम जब हाथ लगाएं तो बड़ा हो गया ये अटैक नहीं करे, क्योंकि कई डॉग होते हैं जब खाना खाते टाइम में हाथ लगा दिया पास आ गए, अग्रेसिव हो जाते हैं। तो अभी से धीरे धीरे इसके पूरे शरीर पे हाथ लगाने की इसको आदत डालेंगे हम। ये देखो, तो इसी से ये ट्रेन होगा, तो इसको पता चल जाएगा कि हाथ लगाए तो अग्रेसिव नहीं होना है, ठीक है। देख रहे हो पहली मील है, और कितने चावों से खा रहा है, बिल्कुल चाट चाट के, इसको फुल मज़े से फुल न्यूट्रिशन डाइट मिल रही है। तो इसका जो नाक बहना है वो बंद हो जाएगा, इसकी जो न्यूट्रिशन की जितनी भी पूर्ति है इसकी माँ के दूध से नहीं हो रही थी, उससे ज़्यादा इस डाइट से पूर्ति होगी। आप चाहो तो गूगल करके देख लेना, देखो कितने मज़े से खा रहा है, बिल्कुल चाट के एकदम साफ़ कर देगा। और जब तक पूरा साफ निकले, ऐसा नहीं थोड़ा सा बच गया तो अब इसको हटा लें अपन, पूरा खाने दो। जब तक ये खा रहा है चाट चाट के जैसे खा रहा है, इसको खाने दो, ठीक है। फिर कहते हैं कि यार डॉग खाना नहीं खाता, हमारा खाना छोड़ देता है, वो अभी से ट्रेनिंग इसकी स्टार्ट रहती है, ठीक है। खाने दो इसको, मन से खाने दो, बच्चा है खेलेगा खाएगा, खाने दो जब तक खा रहा है, जब तक खाने दो। सेकंड मील डाल रहे हैं, बस अब की बार थोड़ी सी हैवी की है, पिछली बार फुल चाट के खा लिया था। 2.5 घंटे के 3 घंटे हो गए इसको लास्ट, ठीक है। 2.5 से 3 घंटे में इसको वापस दे रहा हूँ दूसरी मील,
क्योंकि पहली वाली छोटी थी और सुबह से दूसरी मील जो अपन ने पहले खिलाई थी ना उसके अंदर काफ़ी समय लग गया था इसको, ठीक है। तो अब की थोड़ी सी हेवी दे रहे हैं ताकि ये बाहर पोटी कर सके। सुल्तान जब भी खोलते हो मिलते हो नाम लेके मिलो, सुल्तान गुड बॉय। अंदर पोटी नहीं कर रखी है आप देख रहे हो, ठीक है। अब इसको बाहर निकालते हैं अपने टाइगर को, शाबाश टेक इट गुड बॉय। बड़े चाव से खाएगा, इसकी फेवरेट डिश है ये, देखो मछली चिकन राइस अंडा चारों चीज के अंदर है और हल्की सी हल्दी, शानदार डाइट है डॉग के लिए।